अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुए कुछ ही महीने हुए हैं और खबरें सामने आई हैं कि मंदिर के छत से बारिश के पानी टपकने लगी है और मंदिर के जिस हिस्से में यह बात सामने आई है वह मंदिर का गर्भगृह है जहां राम लला विराजमान है। इस मामले को खुद राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र मिश्रा ने सामने लाया। उन्होंने न केवल छत टपकने की बात कही बल्कि यह भी कहा कि इससे गर्भगृह में पानी भर गया। यदि इस स्थिति को तुरंत ठीक नहीं किया गया तो आने वाले बारिश के मौसम में रामलला की पूजा अर्चना करने तक में मुश्किल आ सकती है। इन खबरों के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर जैसे खलबली मच गई है। यह बात और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। हर जगह मंदिर के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने छत से पानी टपकने की वजह बताई है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मैंने खुद मंदिर की पहली मंजिल से बारिश का पानी टपकते हुए देखा है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि अभी मंदिर की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है जिससे इसकी छत पूरी तरह खुली है, इसलिए वहाँ पानी भर गया और छत से नीचे भी टपका। इस तरह खुले फर्श से पानी टपक सकता है लेकिन अगले महीने के अंत तक दूसरी मंजिल की छत बंद हो जाएगी, इससे यह समस्या नहीं होगी। गर्भगृह में भरे हुए पानी को मैन्युअली निकाला जा रहा है। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से इसे लेकर मंदिर के डिजाइन पर भी सवाल उठे। इस पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि गर्भगृह में जल निकासी नहीं है क्योंकि गर्भगृह के पानी को मैन्युअली ही अवशोषित किया जाता है। बाकी सभी मंडपों में ढलान भी है और निकासी की व्यवस्था भी है। जो भी मंदिर बन गए हैं जहां रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और काल तक दर्शन और सब बंद हो जाए।